अटेम्प्ट 84 का था और यहां बर्मिंघम में भी मीराबाई चानू पहला अटेम्प्ट 84 का लेने वाली हैं और 84 को कैसे काटना है वो मीराबाई अच्छी तरह जानती हैं। पहला अटेम्प्ट अगर 84 का है तो फिर तीसरा अटेम्प्ट कितने का होगा? संजय दा, टोक्यो में तीसरा 89 अनसक्सेसफुल रहा था, मुझे लगता है कि उसको अब टारगेट ये जरूर करना चाहेंगी। मीराबाई चानू भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में शुमार है इनका। एक छोटे से कस्बे से निकलती हुई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिभा मीराबाई चानू इस समय पहली लिफ्ट की तैयारी कर रही हैं, पूरी एकाग्रता के साथ पहली लिफ्ट 84 किलो पर। इतना वजन तो ये सपने में भी उठा लेंगी। प्रणाम आपको है मीराबाई, गोल्ड मेडल थोड़ी देर में आएगा लेकिन एक लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है और पहला कदम मीराबाई ने 84 का ऐसे उठाया जैसे उसके लिए कोई परिश्रम करना ही ना पड़ा हो। यानी 8 किलोग्राम का सीधा सीधा इन्होंने अंतर क्रिएट कर लिया है नंबर 2 की लिफ्टर के साथ। अभी तो इनकी 2 लिफ्ट और बाकी हैं, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए। स्क्रीन पर लगी हैं जहां मीराबाई चानू अपनी दूसरी लिफ्ट के लिए तैयारी कर रही हैं। स्नैच में पहली लिफ्ट में ही उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 8 किलो के वजन का फासला बना लिया है। तरह से एक अलग ही जोन में है, मानसिक रूप से सारा का सारा जो फोकस है वही बारबेल पे है और कुछ हो भी नहीं सकता। ये वो एथलीट हैं जिनके अंदर साधना है, जिनके अंदर तपस्या है, एक ऐसी तपस्या जो जुनून में तब्दील हो जाती है और वही जुनून जब निखर करके आता है, मेडल्स दिलाता है, तो सारे देश की आंखें गीली हो जाती हैं। क्या मीराबाई चानू आज उसी तरह का एक अनुभव समूचे देश को देने जा रही हैं? जैसा पहला कदम रखा है तैयार हो जाइए, स्नैच के बाद क्लीन एंड जर्क, आज भारत का राष्ट्रगान यहां बर्मिंघम में हम सब सुनेंगे और खड़े होकर गर्व करेंगे भारतीय होने पर। मीराबाई चानू अपना पर्सनल बेस्ट अटेम्प्ट करने जा रही हैं। पर्सनल बेस्ट, सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके कॉन्फिडेंस का। दूसरा अटेम्प्ट मीराबाई चानू का, लोअर बैक पर काफी देर ठहरने के बावजूद कामयाबी के साथ ये अटेम्प्ट पूरा किया मीराबाई चानू ने। टीम की तीनों ग्रीन लाइट उनके फेवर में, पर्सनल बेस्ट हासिल कर लिया सुनील। बिल्कुल बराबरी कर ली है अपने सर्वश्रेष्ठ नेशनल रिकॉर्ड की और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ये उनका पर्सनल बेस्ट है 88 किलोग्राम। जितनी तालियां इनके लिए बजे उतनी ही कम है देवियों और सज्जनों, अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। अद्भुत प्रदर्शन मीराबाई चानू, 88 किलो का वजन उन्होंने उठाया है दूसरे अटेम्प्ट में, कुल मिलाकर 12 किलो की लीड है नंबर 2 पर चल रही एथलीट के ऊपर। एक अटेम्प्ट और बाकी है, उसके लिए हम लौटेंगे। इरादे अगर बनाए हैं तो इरादे इतने बड़े हों कि खुद की चुनौती आप खुद ही हो, कोई मॉरिशियस की ना जीत। 90 kg की लिफ्ट मीराबाई चानू अब उठाने जा रही हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है सो पाने के लिए है। 12 किलो की लीड अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर पहले ही हासिल कर चुकी हैं। अगर इस लीड के साथ 12 या 14 किलो की लीड के साथ वो क्लीन एंड जर्क में पहुंचती हैं तो 80% उम्मीदें यही हैं कि भारत की मीराबाई चानू अपना गोल्ड बिल्कुल तय कर लेंगी। 90 का अटेम्प्ट है संजय दा, उम्मीदें भी 80 से 90% कर दीजिए। नहीं, ये मुस्कान बनी रहे मीराबाई। 88 किलोग्राम का दूसरा जो आपका अटेम्प्ट था वो
इंटरनेशनल लेवल पर आपका पर्सनल बेस्ट है और अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 12 किलोग्राम की लीड इस भारत की शेरनी ने पहले ही हासिल कर ली है। अच्छी बात यह कि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था और इसीलिए उन्होंने एक नया टारगेट सेट किया अपने लिए कि चलिए कोशिश कर ली जाए 90 उठाने की। और देखिए कितनी जल्दी उन्होंने बारबेल को छोड़ दिया, जैसे उन्हें लगा कि वो नहीं उठा पाएंगी उन्होंने तुरंत बारबेल छोड़ दिया। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि कहीं इंजरी ना हो, इंजरी की किसी भी आशंका को टालने के लिए उन्होंने बहुत जल्द ये कार्रवाई की। शानदार। और जो देवी और सज्जनों, जहां कहीं भी आप हैं, घर में या ऑफिस में, एक मिनट के लिए खड़े हो जाइए और तालियां बजाकर मीराबाई चानू का अभिवादन कीजिए। बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल भारत की इस चैंपियन सुपुत्री मीराबाई चानू ने जीता है। ये दिन सिर्फ मीराबाई चानू के लिए बड़ा नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड बर्मिंघम में मीराबाई चानू ने दिलवाया। और ये देखिए भारत के दर्शक जो कि वहां मौजूद हैं, इस मुकाबले को अब तक देखते रहे हैं, उनकी खुशियों को महसूस कीजिए, मीराबाई की खुशी को महसूस कीजिए। किसी सफलता को जब आप फलीभूत होते हुए देखते हैं तो आंखें थोड़ी सी नम जरूर होती हैं, लेकिन इरादे बुलंद। तिरंगे का अभिमान है चानू, तिरंगे का स्वाभिमान है चानू। जब किसी एथलीट के लिए देश का झंडा सबसे ऊपर जाता है तो उसके मन की खुशी, उसकी अनुभूति को सिर्फ उसकी आंखों से छलकते हुए पानी से समझा जा सकता है। अद्भुत। भारत का राष्ट्रध्वज, भारत की राष्ट्रधुन कॉमनवेल्थ गेम्स में बर्मिंघम में आज चानू की वजह से बजी है और ये हमेशा उन्हें याद रहेगा। सिर्फ उन्हें क्यों, हम सभी को याद रहेगा।